हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के मिश्री। अबे आप सक्सेस, मैं हूं आपका दोस्त यूम मिश्रा। और इसमें जानेंगे हम लोग पार्ट हमारा टू है, जो कि कक्षा 10 के लाइट का चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का, ठीक है ना। और यहां से हम लोग अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, क्योंकि हमने जान लिए थे प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, किरण पुंज क्या होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से, इतना हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। और हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में कवर करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ये नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा मेरे प्यारे दोस्तों इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि विसरित परावर्तन। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे नियमित परावर्तन, हमारा नियमित परावर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन पश्चात एक दूसरे से समांतर हो जाती हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर हो जाते हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक चिकना पृष्ठ है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही, आने वाली किरणों को हमेशा आपतित किरण कहते हैं। और ये कोई चिकना पृष्ठ है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, आने के पश्चात प्रकाश का परावर्तन होकर वापस लौट जा रही हैं, जिसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। तो आने वाली किरणों को आपतित किरण और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहा जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा क्या, कोई भी चिकना पृष्ठ है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात एक दूसरे को समांतर हो जाते हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन क्या होता है, तो अब एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की इसमें जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, जिसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे जानते हैं अनियमित परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं और इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, किसी भी खुरदरे पृष्ठ से हो तो प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ फैल जाती हैं और इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन हमारा क्या होता है, जब प्रकाश किरणें मतलब कि एक दूसरे समांतर न होकर वो विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ फैल जाती हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा खुरदरा पृष्ठ है, प्रकाश किरण आपतित हो जब हो रही है और फिर आने के पश्चात हमारी क्या हो रही है, अन्य मार्गों पर लौट जा रही है, और इसे ही हम विसरित या फिर अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आता है विसरित परावर्तन के उपयोग, क्योंकि अब जाहिर सी बात है विसरित परावर्तन हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग भी होना चाहिए। तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, कमरे की खिड़की में लगा हुआ खुरदरा कांच, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की किरणों का विसरित परावर्तन हो जाता है और जो हमें चकाचौंध से बचाता है। आखिरकार विसरित परावर्तन न हो तो हमारा जो वहाँ पर कांच के टुकड़े रहे हैं वहाँ से हमारा अगर विसरित परावर्तन घटना ना हो तो बहुत चकाचौंध रहेगा कमरे में। इसलिए क्या होती है, प्रकाश आती है तो वो बिखेर देती है चारों दिशाओं में, कोई भी चीज़ बिखेर देती है, और इसी घटना को प्रकाश का विसरित हम परावर्तन कहते हैं। अखबार खुरदरे व सस्ते कागज़ पर इसलिए छपे होते हैं जिसके कारण पढ़ने वाले जो प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा अनेक छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके, इसीलिए विसरित परावर्तन वहाँ पे होता है। और इसीलिए हमारे खुरदरे कागज़ में और सस्ते कागज़ में ही अखबार को लिखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि हम परावर्तित किरण एवं आपतित किरण का मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति ही कार्य करता है। यदि प्रकाश के परावर्तन घटना में हम क्या करें, परावर्तित किरण एवं आपतित किरण का क्या लिया जाए, मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति ही कार्य करता है, जिसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हमारा चिकना पृष्ठ है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही फिर आने के पश्चात लौट जा रही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब एवं परावर्तित, ये परावर्तित है ना, परावर्तित किरण बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है, तो दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है इमेज मेरे प्यारे बच्चों, तो बता देना, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब आप क्या आ जाएगा, तो बता दीजिएगा, जब किसी वस्तु को दर्पण के कहाँ पर रखेंगे, हम सामने रखेंगे, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी आकृति को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ इमेज, एक होता है वास्तविक रियल इमेज और दूसरा होता है आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे वास्तविक इमेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिर जानेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश के किरणें प्रकाश के परावर्तन पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे बिंदु पर वास्तव मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु का क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा और हमेशा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसे हम पर्दे पर वास्तविकता में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, तो जब किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती तो परंतु दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब उस बिंदु वस्तु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो परंतु दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट आता है दर्पण, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट तथा या कलई कर दिया जाता है तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, इस निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें और या फिर कलई कर दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, इस निकाय को हम दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम जानेंगे दर्पण के प्रकार, चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम जो लोग जानते हैं दर्पण के प्रकार, तो दर्पण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, पहला समतल, दूसरा गोली। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला समतल होता है, दूसरा गोली होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे समतल दर्पण प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या है, यह हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है फिर लौट जा रही है, और ये हमारा क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल कौन सा तल होता है, जब किसी भी दर्पण के हम एक तरफ कलई किया गया पृष्ठ जो होता है, इसी के कारण हमारा एक तरफ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। तो ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण, तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण क्या होता है, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे कि इसमें बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, सदैव हमेशा क्या होते हैं, यह सीधा व आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। समतल दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा तीसरा यहाँ पे ऐसी ऊंचाई वाले मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता के लिए उसकी जो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 ही होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर यह ऊंचाई वाले मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता जो आवश्यक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा
वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखा जाता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनता है। जितने दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप किसी वस्तु को रखेंगे दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब भी बनता है। अगर हम निश्चापण देखें तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हमेशा और हमेशा अनंत होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, वो अनंत होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप हम जानते हैं गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की कलाई कर दिया जाता है तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी पारे की कलाई कर दिया जाता है तो प्राप्त जो दर्पण होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के प्रकार, तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अवतल दर्पण, फिर जानेंगे हम उत्तल दर्पण। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण और फिर हम उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह जितना मैंने पढ़ा है इसको आप नोट कर लीजिए और आपको सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।